गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज से हम जो है हिंदी का सिलेबस है सेकेंड टर्म का वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, और हमारा जो चैप्टर है सिक्स्थ है, ठीक है, इस सेकेंड टर्म का वो हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे जो चैप्टर का नेम है पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण क्या होता है बच्चे? के जो हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा वातावरण है, उसे ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्यावरण। ठीक है, इस जो चैप्टर है इसमें हमें वातावरण का जो महत्व है वो बताया गया है कि वातावरण का क्या महत्व है, हमें वातावरण को कैसे साफ सुथरा रखना चाहिए, इसमें क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ओके, चलो बच्चे पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। जो हमारा वातावरण है वो हमारा क्या है? जो हमारे चारों ओर जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है ये सब किस में आते हैं? पर्यावरण में। ठीक है, जल, वायु, भूमि, पेड़ पौधे, मानव, पशु पक्षी आदि सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। बच्चे जल होता है पानी, वायु हवा, भूमि धरती, पेड़ पौधे, मानव, मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब किस में आते हैं? पर्यावरण में। ठीक है, इन्हें यह पर्यावरण के घटक कह सकते हैं। इसे जो हम हैं हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये पर्यावरण का एक हिस्सा है, ये वातावरण का एक अंग है। ओके, प्रकृति में इन सब की रचना और मात्रा इस प्रकार व्यवस्थित है कि पृथ्वी पर इन सब के बीच संतुलन बना रहता है। वह क्या कह रहा है कि जो इसकी जो रचना है और जो इसकी मात्रा है, ठीक है, वो किस में आती है कि प्रकृति के जो पृथ्वी का और जो हमारी प्रकृति है इसका जो आपस में मेलजोल है। ठीक है, और पिछले लाखों वर्षों से जब से पृथ्वी पर ये घटक निर्मित हुए यह क्रम निरंतर से चलता आ रहा है। सभी को ज़रूरत की वस्तुएं आवश्यकता अनुसार मिलती रहती है, प्रकृति आगे और निर्माण करती रहती है। क्या कह रहा है कि जब पिछले कुछ लाखों वर्षों से जो क्या हो रहा है, जब ये पृथ्वी बनी थी, ठीक है, जब पृथ्वी पर ये सभी कुदरत जो है वो आई थी, तब से वह बोल रहे हैं कि अब तक जो है पृथ्वी का जो कुदरत है उसका निर्माण जो है वो निरंतर चलता आ रहा है, वो क्रम निरंतर चलता आ रहा है। कैसे? देखो, जैसे सबसे पहले हमारे दादा दादी आए, ठीक है, उसके बाद हमारे मम्मा पापा का बर्थ हुआ, फिर आगे हम आए, और आगे देखो ऐसे ही जो है वो काम निरंतर चलता आ रहा है। ठीक है, और जो सभी को जितनी ज़रूरत है उसके आवश्यकता अनुसार जो उसके वस्तुएं जो मिलती रहती हैं, और जो प्रकृति है वो आगे जो है निर्माण करती रहती है। ठीक है, जीव जंतु अपनी श्वसन क्रिया से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो जीव जंतु होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी आवश्यकता अनुसार जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। जैसे मनुष्य है, हम हैं, हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और हम क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे हम सांस लेते हैं हम अंदर क्या खींचते हैं? ऑक्सीजन, और बाहर क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं उससे जो है वो जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अपना भोजन जो है वो तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, और हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, देखो कि उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे अपने भोजन निर्माण से में करते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। यह प्रकृति संतुलन एक उदाहरण है। देखो क्या होगा, क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या है? छोड़ते हैं। और जो मनुष्य है, वो जीव जंतु है जो, वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस अंदर खींच रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है बाहर, जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। जो वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे जो है वो अब्सॉर्ब करते हैं और वो क्या इमिट करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि ये प्रकृति संतुलन का एक उदाहरण है, ये एक एग्जांपल है हमारी प्रकृति की। ठीक है, आदमी तो सदा से ही प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेना चाहता है। मनुष्य ने अनेक वैज्ञानिक उपलब्धियाँ अर्जित की, सुख सुविधाओं के साधन जुटाएं, बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक क्रांति सहारा लिया, तभी से प्रकृति का सामान्य रूप बिगड़ता गया। क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है वो चाहता है कि जो प्रकृति है वो अपने हाथ में कर ले। ठीक है, जो मनुष्य है वो काफ़ी सारे जो वैज्ञानिक उपलब्धियाँ मीन्स के जो केमिकल्स है वो यूज़ करते हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए, जो है वो प्रकृति से बिगाड़ कर रहे हैं, वो तभी से जो है जो प्रकृति है वह बिगड़ती जा रही है। ठीक है, वह काटे जाने लगे, उपजाऊ भूमि पर आवास बनाए जाने लगे, बड़े बड़े जंगलों को साफ करने
करके मैदान बना दिए गए, लेकिन इन सब से प्रकृति का जो सामान्य है रूप बिगड़ता गया। पहले प्रकृति उपहारों में कमी आई, फिर धीरे धीरे जल वायु मृदा आदि सभी प्रदूषित होने लगे। वह क्या कह रहा है कि जो मनुष्य है उसने क्या किया, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। जैसे पहले जंगल होते थे, मनुष्य ने क्या किया कि जंगल को काट दिया, जो पेड़ पौधे थे उसको काट दिया और जो जगह है वो बना ली साफ, वहाँ पे जो है वो ग्राउंड बनाने लगे, जहाँ जो अपने घर है वो तैयार करने लगे, ठीक है। जो बड़े बड़े जंगल है उसका उन्होंने नाश कर दिया और तभी से जो है जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ने लगा है, ठीक है। पहले प्रकृति उपहारों में कमी आई, जैसे देखो पहले प्रकृति में थोड़ा सा बिगाड़ आया, फिर क्या हुआ धीरे धीरे, अब हम कह रहे हैं हमारे यहाँ जो है पानी की कमी है महसूस हो रही है, ठीक है। अब पानी की कमी महसूस हो रही है, ऑक्सीजन की कमी, ये देखो हमारे यहाँ पे एग्जांपल ये है, ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। काफ़ी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और मिल नहीं रही ऑक्सीजन, पेयजल भी ख़त्म हो रहा है, ऑक्सीजन भी, ठीक है। ये सभी क्या है, कैसे सब कुछ प्रदूषित होता जा रहा है। ओके, पर्यावरण प्रदूषित से कई कारण हैं। पर्यावरण प्रदूषण से मीन्स कि जो हमारे वातावरण में प्रदूषण है, प्रदूषण के भी कई कारण हैं। जैसे देखो पर्यावरण विशेषताओं और जनसंख्या के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों से लगातार बढ़ती आबादी और बढ़ते प्रदूषण के कारण ही बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी कि भविष्य में यदि यह क्रम चलता रहा तो मनुष्य के सुखमय और निरापद जीवन के लिए कितनी ही विकराल और कठिन समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। क्या है कि जो प्रदूषण है वो प्रदूषण के कारण जो है पर्यावरण है वो बिगड़ता जा रहा है, और जो पर्यावरण में सबसे पहले इसकी ये है कि हमारे जो है जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, ठीक है, आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण देखो जैसे दो लोग हैं उन्होंने कहीं जाना हो, ठीक है, वो बोलेंगे कि हम अपना बाइक लेके जाएं, ठीक है। और अगर हम बाइक की जगह बस का यूज़ करें, बस तो वैसे ही चलनी है, ठीक है, हम क्या करें, हम बस का यूज़ करें, और जो है एक तो हमारा जो पेट्रोल बचेगा, ठीक है, दूसरी बात ये कि जो हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है वो कम होगा, ओके। और ये बढ़ती आबादी भी जो है वो भी एक पर्यावरण में एक प्रदूषण के समान ही है। मनुष्य जो है अपने सुख में मतलब अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए जो है ये कठिन समस्याएं जो है उत्पन्न करी जा रहा है, ठीक है। लेकिन मनुष्य ने इस सब की परवाह नहीं की, मनुष्य ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी, लोग ज़्यादा होंगे, आबादी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये भी एक प्रकृति में जो है वो बिगाड़ ही पैदा करेगी। जब कुछ घटनाएं घटित हो गई तब से मनुष्य सचेत हुआ कि पर्यावरण प्रदूषण को विनाशकारी है। क्या हुआ कि जब से जो है ये ऐसे जो घटनाएं जो होने लगी, तब से जो मनुष्य को पता चला कि ये जो पर्यावरण प्रदूषण है ये क्या है, ये विनाशकारी है, मीन्स कि ये खतरनाक है, ठीक है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हुए नीचे, सन 1940 में अमेरिका के लॉस एंजलस नगर में एक शाम को सारा शहर कोहरे और बादलों से ढक गया। क्या हुआ कि 1940 की जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, 1940 में जो अमेरिका के लॉस एंजलिस नगर है, ठीक है, वहाँ पे जो है ये नगर है वहाँ में जो है एक शाम को सारा शहर कोहरे और बादलों से ढक गया। क्या हुआ कि जो शहर सा पूरा वो एक दिन क्या हुआ, एक शाम को क्या हुआ कि पूरा जो है बादलों से ढका गया। वहाँ से निवासियों से पहले थोड़ी बेचैनी हुई, फिर घबराए और बाद में सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न हुई। रात बीती तो प्रायः हजारों लोग मौत के नींद में सो चुके थे। क्या हुआ कि जब जो है वहाँ पर पहले तो उन निवासियों को थोड़ी बेचैनी हुई, ठीक है, वह घबराए और बाद में जो है उसे सांस लेने में मुश्किल आई और रात जो है तब बीती तो हजारों लोगों की जो है वो डेथ हो चुकी थी, ठीक है। फिर वो बात कर रहे हैं कि सन 1952 में लंदन शहर में एक ऐसा ही हादसा हुआ। क्या हुआ कि 1952 की बात कर रहे हैं वो, कि तब क्या हुआ था, ठीक है, एक साई उद्योगों और कारखानों से निकले धुआं तथा वायुमंडल की आर्द्रता
से कोहरे की गाड़ी परत नगर पर छा गई। सांस लेने में अवरोध के कारण लगभग 5,000 लोगों की जान गई। इस घटना को लंदन स्मोग घटना का नाम से जाना जाता है। क्या हुआ कि लंदन की वो जो बात कर रहे हैं कि लंदन के जो वहाँ पे उद्योग थे, ठीक है, जो काम करने वाले थे और जो कारखाने थे, उससे जो कारखानों से जो धुआं निकलता है वो भी हमारी वातावरण को जो बिगाड़ता है, ठीक है, प्रदूषित करता है। तब क्या हुआ कि वायुमंडल में अर्धत से कोरे गाड़ी परत पर नगर छा गए। क्या हुआ कि एकदम बिल्कुल ही ब्लैक हो गया सारा, और जो सांस लेने में कमी आई और सांस लेने में कमी आने की मुश्किल से जो है 5,000 लोगों की जान गई, ठीक है। इसी समस्या को उन्होंने लंदन स्मोग घटना का नाम भी दिया है, ठीक है। अब हम लंदन स्मोग घटना को सुने तो यही घटना, इसी जो वारदात है इसी को बताया जाएगा उसमें, ठीक है। थर्ड है बच्चे, जापान की मिनीमाटा खाड़ी में एक बार लाखों की संख्या में जलीय जीव जंतु मर गए। लोग अंचबित थे कि ये क्या हुआ। क्या हुआ कि जापान की जो बात कर रहा है कि जापान में क्या हुआ कि लाखों की संख्या में जो है वो जीव जंतु मर गए थे, ठीक है, और लोग जो थे वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ है। असल में इस खाड़ी में कह के चारों ओर बड़े बड़े कारखाने लगे। क्या हुआ कि जो जिस खाड़ी में जो है वो काफ़ी सारे जीव जंतु मरे थे, उस खाड़ी में क्या था कि वहाँ पर उसके जो चारों ओर है वो कारखाने थे, ठीक है। इसमें इनमें से निकलने वाले प्रदूषित जल के कारण के प्रकार ही जहरीले तत्व भी थे। इनमें से निकलने वाले प्रदूषित जल में कई प्रकार के जहरीले तत्व भी थे भी होते हैं। उसी जहरीले जल से वे जलीय जीव जंतु मर रहे थे। क्या हुआ था कि वहाँ पर ना जो खाड़ी थी एक, ठीक है, खाड़ी में जो है काफ़ी सारे जीव जंतु मरे थे। वो क्यों मरे थे, क्योंकि उसके आसपास क्या था, कारखाने थे, और जो कारखानों से धुआं निकलता, केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि वो उस खाड़ी में जाते थे और उसी जो केमिकल्स की वजह से जीव जंतु थे वो क्या हो रहे थे, मर रहे थे, ठीक है। कुछ वर्ष पहले भारत में भोपाल नगर में एक विदेशी कारखाने से असावधानीवश मिथाइल आइसोसायनाइड नामक गैस वायुमंडल में रिस गई। यह इतनी जहरीली गैस थी कि उस रात 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। आज भी उस गैस के प्रभाव को लोग भिन्न भिन्न प्रकार से भुगत रहे हैं। क्या हुआ कि कुछ वर्ष पहले जो है वो भारत में भोपाल नगर है, वहाँ पे क्या हुआ कि कारखाने से जो है वो मिथाइल आइसोसायनाइड गैस है, ठीक है, वो निकल रही थी, और उसी जहरीली गैस के कारण जो है 10,000 लोगों से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और उसी गैस के कारण जो है आज भी जो वहाँ के लोग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो है वो भुगत रहे हैं, ठीक है, जो उस गैस का प्रभाव है अभी उन पर पड़ रहा है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इन सभी घटनाओं से बड़ी चिंता हुई। उसने सोचा कि इस समस्या को सामूहिक रूप से विश्व स्वास्थ्य हितों से सुलझाया जाना चाहिए। क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघर्ष जो है उससे बड़ी चिंता हुई, ठीक है, और उन्होंने क्या सोचा कि इस समस्या को जो है वो सामूहिक रूप से जो है हमें सुलझाया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप सन 1972 में मानव पर्यावरण पर कॉन्फ्रेंस प्रथम बार स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई। क्या हुआ कि 1972 में जो है वो कॉन्फ्रेंस हुई इसी बात पर, ठीक है। तभी से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य चल रहा था। भारत में भी नेशनल कमेटी फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग इंड कोऑर्डिनेशन इस दिशा में वृहद सत्र पर कार्य कर रही थी। सरकारी प्रयास तो अपने स्थान पर होते हैं लेकिन जनसामान्य की भी अपनी विशेष भूमिका है। हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे पर्यावरण प्रदूषित दूर हो सके। जैसे मैं क्या बोल रहा है कि जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, वहाँ पर जो नेशनल कमेटी फॉर एनवायरनमेंट प्लानिंग
एंड को ऑर्डिनेशन थी, उन्होंने जो है इस पर जो है वो मीटिंग की कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमें अपने वातावरण को जो है वो प्रदूषित से दूर करना चाहिए, ठीक है, और कैसे करना चाहिए उन्होंने आगे एग्जांपल दी है। जैसे फर्स्ट वन है, पेड़ हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसके अतिरिक्त वे कई प्रकार की जहरीली गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को सोख लेते हैं। यहाँ भी स्थान मिले, पेड़ अवश्य लगाएं। शहरी क्षेत्रों में यहाँ स्थान का अभाव होता है, यह कमी गमलों में पेड़ लगाकर पूरी की जा सकती है। क्या है कि जो हमारे मैंने पहले भी बताया है कि जो पेड़ है वो ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, और जो जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ठीक है। जो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कौन अब्जॉर्ब करता है? पेड़ पौधे, ठीक है। ये जहरीली गैसें होती हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब क्या होती हैं कि जो पेड़ पौधे वो अपने अंदर सोख लेते हैं। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें पेड़ अवश्य लगाने चाहिए, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में यहाँ पर स्थान का अभाव है, जहाँ पर जो है वो उसकी जो जगह है उसकी कमी है, ठीक है, यहाँ पर स्थान नहीं है, वहाँ पर क्या करना चाहिए कि हमें गमलों में जो है वो पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे कि ये कमी पूरी हो जा सकती है, ठीक है। सेकेंड वन है, कुएं या नल के आसपास कहीं जल नहीं भरा रहना चाहिए, यही दूषित जल भीतर धरती में जाकर जल स्रोत में मिल जाता है और कई प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। शहरों में जल वितरण व्यवस्था साधारणता नदियों और झीलों में चलती है, इसलिए यह प्रयास किया जाना चाहिए कि जल विभिन्न कारणों से प्रदूषित ना किया जाए। इनके किनारों शौच आदि के लिए जाना, मृत लोगों को इसमें बहाने आदि के पूर्ण रूप से रोका जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो हमारे जल कुआं कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी कुआं हो, ठीक है, वहाँ पर जो है वो उसके आसपास जो है वो ज़्यादा जल नहीं भरा होना चाहिए, ठीक है। उस जल जो वो जल होगा वो दूषित धरती के अंदर, दूषित जल जो है वो धरती के अंदर जाएगा, ठीक है, और कई बीमारियों का कारण बनेगा, ठीक है। और ये जल जो है कहीं दूर दूर जो हमारे होती हैं झरने होते हैं, ठीक है, नदियाँ होती हैं, उसमें भी जाकर मिलता है, ठीक है, जिससे जो वो जल होता है वो भी दूषित की हो जाता है, ठीक है। और उसके जो किनारे हैं वो शौच नहीं करना चाहिए, और जो लोग जो डेथ होती है किसी की, तो उसकी जो होती है डेड बॉडी, उसको भी उस जो दूषित जल है उसमें फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है, उसे हमने रोका जाना चाहिए। थर्ड वन है, वाहनों से निकलने वाले धुएं तथा फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से बहुत अधिक वायु प्रदूषण होता है। वाहनों की नियमित जांच और चिमनियों में दूषित नियंत्रण उपकरण लगाना अनिवार्य होना चाहिए। क्या है कि जो वाहनों से धुआं निकलता है उसको भी रोकना चाहिए, और हमें जो है वाहन कम यूज़ करने चाहिए, और जो फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है उस धुएं को भी रोका जाना चाहिए, ठीक है। बच्चे फोर्थ वन है, जीव जंतु भी प्राकृतिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, इसका संरक्षण भी आवश्यक है। पर्यावरण सुंदर और संतुलित रहेगा तो मनुष्य भी स्वच्छ रहेगा, अन्यथा कितनी भी तरक्की कर ली जाए उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि जो जीव जंतु है उसका भी जो वातावरण बहुत ज़्यादा महत्व है, जीव जंतु जो है वो इसी धुएं के, इसी प्रदूषण के कारण जो है वो मर रहे हैं, इसको भी रोका जाना चाहिए। अगर हमारा पर्यावरण सुंदर होगा, साफ़ सुथरा होगा, तभी जो है मनुष्य जो है वो अच्छा जीवन जी पाएगा, ठीक है। तरक्की चाहे जितनी भी कर लो, लेकिन जो इसका उसका इसके बिना उसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। बच्चे जी हमारा चैप्टर था, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपने को अच्छा रखने के लिए हमें अपने वातावरण को अच्छा रखना चाहिए। अगर हमारा वातावरण साफ़ सुथरा होगा तो हमारा जो मनुष्य का जीवन है वो भी अच्छा होगा, ठीक है। और प्रदूषण को रोका जाना चाहिए, जैसे वाहन वगैरह है वो कम यूज़ करने चाहिए, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उसको कम करना चाहिए, ठीक है। और हमें पेड़ पौधे जो है बहुत लगाने चाहिए, अपने घरों में पेड़ पौधे ज़रूर लगाओ, ठीक है। और बच्चे इसकी जो
ओरल क्वेश्चंस हैं उसकी ऑडियो बना के सेंड करो, और इसके जो शब्दार्थ हैं वो अपनी नोटबुक पे नोट करो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।